में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के राष्ट्रीय महासचिव धनंजय उपाध्याय ने कहा, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के इस सम्मेलन के मुख्य मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें देश व प्रदेश में पंचायती राज की अवधारणा को बल देने के लिए ग्राम पंचायतों को दिए जाने वाले अधिकारों और ग्राम पंचायत प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्यों के समक्ष आने वाली समस्याओं पर चर्चा होगी। साथ ही उन्होंने इस पर मौके पर आरोप लगाते हुए कहा, उत्तर प्रदेश शासन के अपर प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जिलाधिकारियों को होने वाले सम्मेलन के ग्राम प्रधानों को भाग न लेने देने संबंधित आदेश की भर्त्सना की ओर और सरकार से ऐसे अवसर पर कार्रवाई करने की मांग की। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। अखिल भारतीय प्रधान संगठन हर 5 वर्ष पर जब उत्तर प्रदेश में या कहीं भी किसी भी राज्य में जब पंचायत के चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद नव निर्वाचित प्रधानों का सदस्यता बढ़ा करके और एक सम्मेलन करने का काम करता है। सन 2016 में भी हमने इको गार्डन में 10,000 से ज़्यादा संख्या थी प्रधानों की नवनिर्वाचित, और एक कार्यक्रम किया था। इस बार फिर से 28 अक्टूबर को लखनऊ के रमाबाई मैदान में नव निर्वाचित प्रधानों का उत्तर प्रदेश के सम्मेलन आहूत किया गया। आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम सिर्फ इस सम्मेलन को असफल बनाने के लिए, इस सम्मेलन को नुकसान पहुंचाने की साजिश करते हुए उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े अफसर ने, अपर मुख्य सचिव स्तर के अफसर ने अपने जिलाधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा कि उत्तर प्रदेश के अपने जिले के गांव के जो प्रधान हैं उनको आप मना करिए कि वो इस संगठन के सम्मेलन में ना आए। इस मौके पर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि वो किस अधिकार के तहत एक चुने हुए प्रतिनिधि को किसी सम्मेलन में आने से रोक सकते हैं, और दूसरी चीज, हमें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा अलोकतांत्रिक आदमी, ऐसा तानाशाह आदमी अगर किसी बड़ी कुर्सी पर बैठेगा तो उसके नीचे उत्तर प्रदेश में न लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा और न ही पंचायती राज व्यवस्था सुरक्षित रहेगी। पंचायती राज को लागू करने के लिए जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है, अगर उसकी मानसिकता ऐसी है तो हम मुख्य सचिव से और उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को हटाने का काम करें। और ये सरकार ने ऐसे अफसर को पदमुक्त नहीं किया तो हम आने वाले सम्मेलन में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और व्यापक रणनीति बना करके इसके खिलाफ प्रधान संगठन आंदोलन करेगा। बहुत सारे जो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे एक छोटी सी एक समस्या का मैं उदाहरण देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार या सरकार के स्तर पर बहुत सारे फैसले ले लिए जाते हैं कि ग्राम सभा में ये पद नया सृजित किया जाएगा। जैसे अभी शौचालय बनाए सरकार ने तो शौचालय केयर टेकर का एक पद बना दिया और उसका जो वित्तीय भार है वो ग्राम सभा के ऊपर डाल दिया। इसी तरह से हमारी ये मांग थी कि हम जितने भी पद आप यहाँ से बनाते जा रहे हैं तो उसके लिए कम से कम वित्तीय संसाधन भी तो ग्राम सभा को दें। साथ ही साथ पंचायत सेक्रेटरी के साथ काम करने में ग्राम प्रधान को क्या दिक्कत आ रही है, विकास कार्यों को ठीक से लागू करने में उनके ऊपर जितने आज की डेट में ग्राम प्रधानों के सारे वित्तीय अधिकार सीज, ऐसी स्थिति में आप एक ग्राम प्रधान से विकास की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जब आपने सारे उसके वित्तीय अधिकार सीज कर रखे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो निर्वाचित ग्राम प्रधान जब इस मंच पर इकट्ठा होता है अपनी सारी समस्याओं को हम लोग चर्चा करते हैं और चर्चा करके सरकार के समक्ष रखते हैं। मथुरा में एनजीटी के नाम पर दिखी प्रशासन की तानाशाही। आज शाम तकरीबन